नमस्कार, तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी प्राइम ते मैं हरकेश सिंह राणा। अज का दिन हिंदू धर्म के बहुत खास मनिया जाता है क्योंकि सावन के महीने की अज शुरुआत हो गई है। अज सौण के महीने का पहला सोमवार है। अज के दिन मंदिरों के लंबी लंबी कतारा वेखन मिल रही हैं। जो शिव भगत है सवेर तो ही लंबी कतारा के लग के मंदिर के नतमस्तक होने लिए पहुँच गए हैं। आओ वेखते हैं कि करीबी मंदिर महादेव कलेश्वर से सोमेश्वर मंदिर के किवें दी अज रौनक रही। सावन महीना भगवान शिव का सब तो प्यारा महीना है। अज सावन महीने का पहला सोमवार है जिसके चलते हुए अज सारे मंदिरों के लोगों की भीड़ लगी हुई है। इस दौरान नंगल के करीबी कलेश्वर महादेव मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर के बड़ी गिनती के शिव भगतों ने शिव की पूजा की। हिंदू धर्म के सावन महीने का विशेष महत्व है। सवेर तो ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इस दिन शिव के भगत भगवान शिव को खुश करने के लिए व्रत रखते हैं, विशेष पूजा रुद्राभिषेक आदि की रस्म भी अदा करते हैं। कालेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर हैं। मानता है कि पांडवों द्वारा अपना अज्ञातवास का समय इन दोनों मंदिरों के विच भी व्यतीत किया गया सी। ये दोवें मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। इस स्थान उत्ते शिवलिंग के रूप दे विच भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावण के सोमवार के व्रत की विशेष महत्ता है। यह व्रत किसी योग जीवन साथी की इच्छा नाल रखा जाता है। जिंदगी दे विच सुख शांति लई तुसी भी यह व्रत रख सकते हो। सोमवार नूं व्रत रखण नाल ग्रहां दे दोषां नूं शांत किया जा सकता है। चंद्र दोष नूं दूर करन दा सब तो वधिया उपाय भी है। यह व्रत ब्रज धन भोजन खुशहाली सेहत आदि की प्राप्ति लई भी रखा जाता है। सावण दे पहले सोमवार नूं फुल फल सुके फल दक्षिणा दही शुद्ध देसी घ्यो शहद गंगा जल पवित्र जल पंच रस महक रौली मौली पंज मिठा बिलपत्र आदि नाल पूजा की जाती है। कोरोना काल भावे खत्म हो चुका है पर फिर भी मंदिरों के इन दिनों के श्रद्धालुओं की आमद के कमी वेखने जरूर मिल रही है। नंगल तो पंजाब टीवी प्राइम दे रकेश राणा की रिपोर्ट। जो है मेरा नाम सूरज जोशी, सोमेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हूँ। ये जो मंदिर है ये है स्वामीपुर सोमेश्वर महादेव मंदिर, गांव स्वामीपुर मार्ग में पड़ता है। और यहाँ पर जो है ये जो मंदिर है ये स्वयंभू, यहाँ पर शिवलिंग हैं वो स्वयंभू हैं और पांडवों द्वारा जो है यहाँ पर पूजन अर्चन किया गया था। जब पांडव अज्ञातवास में थे तब उन्होंने यहाँ पर जो है भगवान शंकर की पूजा की थी, अर्चना की थी। और यहाँ पर जो है चार शिवलिंग हैं जो कि भगवान शंकर और माता पार्वती, गणेश जी महाराज और कार्तिक जी महाराज। ये जो है भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार पिंडी रूप में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है श्रावण मास और शिवरात्रि में बड़ा मेला लगता है, बड़े भंडारे चलते हैं। तो सावन मास का जो है अभी ये शुभ मास चल रहा है। इस मास में जो है हर भक्त बड़े दूर दूर से आते हैं, भगवान बाबा शंकर की पूजा करते हैं, भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बड़ी अर्चना पूजना करते हैं। इस मास में जो भी भक्त यहाँ पर अपने मन्नत मांगता है उसकी मन्नत भगवान शंकर जो है पूर्ण करते हैं। बड़ा पावन और पवित्र मास जो है श्रावण मास चल रहा है। इस मास में बड़े बड़े दूर से जो है लोग आते हैं। हर प्रतिदिन जो है सवेरे 4 बजे से लेकर के और शाम 9 बजे तक लोगों की जो है कतार लगी रहती है। मंदिर कमेटी के तरफ से किस प्रकार के इंतजाम किए हुए हैं, क्या खास है? मंदिर कमेटी के प्रकार जो से जो है हर कमेटी जो है यहाँ पर हर सहयोग करते हैं। सारी व्यवस्था दी गई है, हर व्यवस्था यहाँ पर भक्तों के लिए, रुकने के लिए, खाना पीना, जहाँ से दूर दूर से लोग जब आते हैं उनके यहाँ पर जो है रुकने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। और जो है सब अपने अपने वो जो है कार्य निभा रहे हैं। ये जो मंदिर है काफ़ी मशहूर है, प्राचीन काल से मंदिर बना हुआ है, तो आसपास के कितनी दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, देश विदेश से
पंजाब से बाहर हिमाचल से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बड़ी दूर दूर से दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, उन्ना, इन नवा शहर जो है, हर जगह से लोग यहाँ आते हैं। भक्त जो है हर दूर दूर से चलते रहते हैं। हरिहम लंबोदरम परम सुंदरम एक दंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्धा दिवाकर निभो ज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। वंदे देवो मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारुणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे शूर शुशांक वंदे नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रियम च वरदम वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम। आज से इसे श्रावण की जो संक्रांत शुरू हुई है, जो श्रावण मास शुरू है, इस मास में भगवान देवादिदेव भूतनाथ महादेव का पूजन करने से सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, भक्तों की अभिलाषा पूरी होती है। उस इस पूर्ण मास में, इस संपूर्ण मास में भगवान का जलाभिषेक करना चाहिए, दूध से स्नान कराना चाहिए, दही से स्नान कराना चाहिए, शक्कर घृत से अपना कराना चाहिए और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पवित्र मासम, पवित्र मास भगवान का श्रावण मास, जिसका सभी नगरवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए, सभी विश्व के लिए यहाँ आध्यात्मिक, भौतिक सभी प्रकार के सुख देने वाला, सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला है। आज से इस का जो पहला सोमवार है, श्रावण का जो पहला सोमवार है, श्री कालेश्वर महादेव में दूर दूर से भक्त विराजमान होते हैं। आज भंडारा चल रहा है, जलाभिषेक चल रहा है, भगवान का पूजन हवन चल रहा है। और क्या क्या आयोजन हो रहा है? और प्रत्येक सोमवार के दिन भंडारा होगा, भक्तों के लिए भंडारे का व्यवस्था होगी। और श्रावण माथम में, इस पूरे सावन के महीने में शिव पुराण की कथा भक्तों को श्रवण कराई जाएगी। क्या मानता है यहाँ के मंदिर की, दूर दूर से लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं? इस कालेश्वर महादेव की जो महानता है, जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उस अज्ञातवास में पांडवों ने भगवान का जो स्वरूप है उसकी स्थापना की थी। और तब से ही जो भी यहाँ पर आता है, जिस भी श्रद्धा से, जिस भी कामना से, उस कामना को पूर्ण होते हैं। और यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। पहला सोमवार है, तो की मानता है, क्यों मनाया जाता है जी, थोड़ा डिटेल। सावन का महीना जिसका शिवजी का पर्व संक्रांत तो शुरू होता है, बहुत मानता है। साडा कलेश्वर महादेव मंदिर जुगा जुगा तो चले आ रहा है। इतने लोग सवेरे 4 बजे तो लैके नंगे पैरी पैदल और दूर दूर तो आके सावन महीने के सोमवार को रोज आके इतने जल चढ़ाते थे, अपनी मनोकामना पूरी। 5 सोमवार आ रहे हैं इस बार सौण के महीने के, किस प्रकार के इंतजाम? साड़ी कमेटी वालों बहुत ही वधिया अरेजमेंट वरत वालिया वास्ते है, तो उसको अलग भंडारा, ये हर 5 सोमवार से 6वां संगरांद वाला भंडारा बहुत वधिया तरीके भंडारे का प्रबंध किया है। एक हर बारी के शिवरात्रि इतने उस तरह भी 10-12-15 भंडारे साल के होंगे, जी सा कमेटी है प्रबंध करती, कमेटी ने बहुत वधिया प्रबंध किया भंडारे। मानता की है? यदि मानता है पांडवों के हाथों का स्थापित शिवलिंग है, तो लोग जिदा बजुर्ग दसते आ रहे, लोग लगातार इतने आते, जो भी इतना आता वो अपना पूरा जो मन की मनोकामना पूरी करके जाते। बाकी मंदिर भी है, मंदिर के विच कितना रश होता बाकी मंदिर? बाकी इस मंदिर के विच हजारों की गिनती श्रद्धालु आते, सवेरे 3 बजे तो लाइन शुरू हो जाएं, तो शाम को रात को 6-7 बजे तक लाइन इदा ही लगी रहनी। सावन महीना के आम दिनों में भी सवेर और शाम में बहुत रश होता है। जी असी गल करिए मान लो हम सौण का महीना है, सौण के महीने कितों कितों लोग आते, कितों बहुत दूर दुराडे तो, हिमाचल तो, पंजाब तो, रोपड़ तक, इधर नंगल आनंदपुर साहब, अपना हिमाचल नैना देवी इलाके के लोग बहुत आते हैं।
दूर दराजे पिंड तो लोग बहुत आते गौशाला का उपराला किया जो इलाके आवारा गौशाला है उन्होंने जरूरत तो ज्यादा गौशाला गाइया रखिया इस टाइम जगह की भी कमी है लेकिन गाइया बहुत है गौ सेवा बहुत हो रही मंदिर की बदौलत।